हेलो दोस्तों, तो आज के एक नए क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोपी क्या है, और साथ ही साथ हम देखेंगे माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल। तो ये जो तीन टर्म है, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपी एंड प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी, आज के क्लास पर हम डिटेल में इन पर डिस्कस करेंगे और नोट्स के साथ इनके। तो ये जो टॉपिक है, इन पर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो आइए अब हम आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में देखेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या है। तो ये जो तीन टर्म है, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपी एंड प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप आज की क्लास को थोड़ा भी स्किप ना करें। तो आइए अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या है। तो आप एकदम माइक्रोस्कोप एकदम सिंपल वे और इजी वे में समझिए कि माइक्रोस्कोप क्या होते हैं। तो आप समझिए कि जो माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है और इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जब जो ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ता है तो माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो अ माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट। एक माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज्ड किया जाता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किया जाता है जो ऑब्जेक्ट नेकेड आई से बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ते। तो ये देखा आपने कि माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। इस इंस्ट्रूमेंट का उस टाइम में यूज किया जाता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है तब माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो आपने समझा माइक्रोस्कोप के टर्म्स को। तो अब आगे देखिए, द साइंस ऑफ रिसर्चिंग स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। जब कोई साइंस रिसर्चिंग, जब कोई अनुसंधान रिसर्च करता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का यूज करके माइक्रोस्कोप का, तो इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। तो ये देखिए, अब यहाँ पर इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिए कि द साइंस ऑफ रिसर्चिंग स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट यूजिंग ए माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। जब कोई अनुसंधान स्मॉल ऑब्जेक्ट जो कि नेकेड आई से दिखाई ना पड़े, स्मॉल ऑब्जेक्ट या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का यूज करता है को देखने के लिए यूज करता है माइक्रोस्कोप का, तो इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। अब वहीं इसी माइक्रोस्कोपी के टर्म में ही एक टर्म आया है माइक्रोस्कोपिक। तो अब माइक्रोस्कोपिक को आप समझिए कि ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सीन विदाउट द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। जो ऑब्जेक्ट बिना माइक्रोस्कोप के यूज के बिना नेकेड आई से दिखाई ना पड़े, तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने तीन टर्म को देखा कि माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोपी क्या है, और तीसरा टर्म था माइक्रोस्कोपिक। तो इन तीनों टर्म्स को आप अच्छे से समझिए कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज ऐसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किया जाता है जो कि नेकेड आई से न दिखाई पड़े, ये माइक्रोस्कोप का डिफिनेशन है। लेकिन माइक्रोस्कोपी का जब बात करेंगे तो वहां पर उसका डिफिनेशन होगा कि कोई अनुसंधान जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज्ड करता है माइक्रोस्कोप का, तो उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। और वही माइक्रोस्कोपिक की जब हम बात करेंगे तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बिना माइक्रोस्कोप के यूज्ड के बिना दिखाई ना दे, तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक। तो आई होप कि आपको माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोपिक इन तीनों टर्म में अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आगे हम देखते हैं कि आगे का क्या टर्म है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज इट्स लेंस सिस्टम। तो ये रहा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी माइक्रोस्कोप की हम बात करेंगे तो उनमें जो मेन कंपोनेंट होता है उनका वे लेंस ही मेन कंपोनेंट होता है। किसी भी माइक्रोस्कोप की अब जब आप बात करेंगे तो उनका उनमें जो मेन कंपोनेंट होता है वे उनका लेंस ही मेन कंपोनेंट होता है किसी भी माइक्रोस्कोप में। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हैं, जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जब हम बात करेंगे
तो उसमें तीन सिस्टम है, जो थ्री सच सिस्टम, जो लेंस के तीन सिस्टम होते हैं, पहला है कंडेंसर, दूसरा है ऑब्जेक्टिव और तीसरा है ऑक्युलर। ये जो तीन है, कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव, ऑक्युलर, ये तीन लेंस के तीन सिस्टम है किसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, क्योंकि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ही लिया। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हैज थ्री सच सिस्टम, लेंस के तीन सिस्टम होते हैं, कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव, ऑक्युलर। तो ये जो कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव, ऑक्युलर है, अब इनके यूज को भी देखिए कि माइक्रोस्कोप में इनका यूज कहाँ होता है। तो ये जो तीन सिस्टम है लेंस के, तो ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, क्योंकि हमने एग्जाम्पल के रूप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यहाँ पर लिया है। तो देखिए कि कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव और ऑक्युलर का यूज कैसे होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो द कंडेंसर कलेक्ट द लाइट ऑफ अ फोकस ऑन इट्स स्पेसमैन। तो जो कंडेंसर है, ये कंडेंसर लाइट को कलेक्ट करेगा, लाइट को कलेक्ट करके फोकस करेगा स्पेसमैन पे, जो ऑब्जेक्ट है। ये जो कंडेंसर है, ये लाइट को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद स्पेसमैन, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है, उस पर पूरी तरीके से फोकस कर देगा। तो ये रहा कंडेंसर का यूज। अब देखिए ऑब्जेक्टिव का क्या वर्क है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म एंड मैग्नीफाइंग द इमेज ऑफ स्पेसमैन। जो ऑब्जेक्टिव है, ये मैग्नीफाई करेगा स्पेसमैन के इमेज को। आपने देखा कि कंडेंसर जो था, वो लाइट को कलेक्ट करके फोकस कर रहा था स्पेसमैन पे, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव लेंस के वर्क की बात करेंगे, तो जो ऑब्जेक्टिव है, ये क्या करेगा कि जो इमेज है, मैग्नीफाइंग इमेज, स्पेसमैन के मैग्नीफाई इमेज का को फॉर्मेशन करेगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म एंड मैग्नीफाइंग द इमेज ऑफ स्पेसमैन। अब देखिए वहीं ऑक्युलर का क्या वर्क है, वेयर एज द ऑक्युलर मैग्नीफाइंग द इमेज फर्दरली। ऑक्युलर के थ्रू नेत्रिका से, नेत्रीय लेंस से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो ऑक्युलर है, ये मैग्नीफाइंग इमेज को पूरी तरीके से देखेगा। तो वेयर एज द ऑक्युलर मैग्नीफाई द इमेज फर्दरली। तो ये जो तीन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तीन जो सिस्टम है, कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव, ऑक्युलर, ये तीनों का ही यूज होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। और इनके आपने ये जो तीनों हैं, इनके वर्क को भी आपने समझा। तो अब देखिए, अब आगे मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपसे बताने जा रहा हूँ कि द रेशियो ऑफ साइज द मैग्नीफाइंग इमेज। जो साइज है, जो मैग्नीफाइंग इमेज का साइज है, और ये इमेज बना हुआ है माइक्रोस्कोप के थ्रू, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द मैग्नीफाइंग इमेज फॉर्म बाय अ माइक्रोस्कोप। जो इमेज का साइज जो है, वे बना हुआ है माइक्रोस्कोप के थ्रू, एंड द साइज ऑफ अ इमेज फॉर्म बाय अ नॉर्मल आई, इन दोनों का रेशियो, किनका रेशियो, जो इमेज, जो मैग्नीफाइंग इमेज का फॉर्म्ड हुए हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, और दूसरा जो इमेज फॉर्म्ड हुआ है नॉर्मल आई के थ्रू, इन दोनों को रेशियो को ही हम मैग्नीफाइंग पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला आप यहां पर देखिए कि मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द माइक्रोस्कोप, एंड अपान में आप देखिए, क्योंकि रेशियो था, मैग्नीफाइंग पावर जो है वो रेशियो है कि मैग्नीफाइंग इमेज जो बना हुआ है यूज करके माइक्रोस्कोप का, अपान द साइज ऑफ मैग्नीफाइंग पावर का बाय नॉर्मल आई विदाउट एनी हेल्प। तो ये है मैग्नीफाइंग पावर। तो आई होप कि आपने अभी तक जितना मैंने बताया कि मैग्नीफाइंग पावर, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपी, इन सभी टर्म्स को अच्छे से समझे होंगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब यहाँ पर अब देखिए इम्पोर्टेंट है, ये प्रिंसिपल पर हम बात करने जा रहे हैं, माइक्रोस्कोपी के प्रिंसिपल पर अब हम डिस्कस करेंगे। द ऑप्टिकली क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जो ऑप्टिकली क्वालिटी है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस, अभी हमने बताया कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इनमें लेंस के थ्री सिस्टम है, कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव और ऑक्युलर। तो इस प्रिंसिपल में, माइक्रोस्कोपी के प्रिंसिपल में, जनरली ऑब्जेक्टिव लेंस की यहाँ पर डिस्कशन हो रही है।
तो देखिए द ऑप्टिकली क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस इज मेजर्ड बाय द रिजोल्यूशन ऑफ फाइन डिटेल इन द सैंपल। जो ऑप्टिकली क्वालिटी है ऑब्जेक्टिव लेंस का, ये मेजर्ड किया जाता है जो सैंपल में फाइन जो पार्टिकल है उनको सेपरेट करके, रिजोल्यूशन ऑफ द फाइन डिटेल इन द सैंपल। तो ऑप्टिकल क्वालिटी जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का, उसको मेजर्ड किया जाता है सैंपल में जो फाइन है उसको रिजोल्यूशन करके, रिजोल्व करके जो फाइन पार्टिकल है जो सैंपल के उनको रिजोल्यूशन करके, और फिर उनको उनके दो जो सैंपल में जो दो पॉइंट हैं उनको रिजोल्व करके इनके जो ऑप्टिकली क्वालिटी है उनको ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकली क्वालिटी को मेजर्ड किया जाता है। द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट टू एडजेसेंट पॉइंट एज अ सेपरेट यूनिट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन और रिजोल्विंग पावर। तो जो एबिलिटी होती है दो पॉइंट को सेपरेट करने के लिए, द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट टू एडजेसेंट पॉइंट, दो एडजेसेंट पॉइंट को सेपरेट करने के लिए जो कैपेबिलिटी होती है या फिर एबिलिटी होती है उसी को ही हम रिजॉल्विंग पावर से डिफाइन करते हैं। तो एक टर्म हमने बताया रिजॉल्विंग पावर और दूसरा टर्म हमने बताया था मैग्नीफाइंग पावर। तो इस के बीच के डिफरेंस को भी आप अच्छे से समझिए कि मैग्नीफाइंग पावर में हमने बताया था कि जो मैग्नीफाइंग जो फिगर है, जो मैग्नीफाइंग इमेज है, जो मैग्नीफाइंग इमेज माइक्रोस्कोप के थ्रू फॉर्म्ड हुआ होता है अपान जो मैग्नीफाइंग इमेज नॉर्मल आई के थ्रू फॉर्म्ड हुआ होता है, इसी के रेशियो को हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। लेकिन जब रिजॉल्विंग पावर की बात करेंगे तो वहां पर होगा कि दो एडजेसेंट पॉइंट के बीच के डिफरेंशिएट को एबिलिटी, दो एडजेसेंट पॉइंट को सेपरेट करने की एबिलिटी को हम रिजॉल्विंग पावर से डिफाइन करते हैं। तो ये रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर के बीच भी आप डिफरेंस को अच्छे से समझिए। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोपी डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ एंड द एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। जो रिजॉल्विंग पावर होता है माइक्रोस्कोप का, रिजॉल्विंग पावर अभी हमने बताया कि दो एडजेसेंट पॉइंट के बीच के डिफरेंशिएट को डिफरेंशिएट करना, इसी को ही हम रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। तो जो रिजॉल्विंग पावर है माइक्रोस्कोप का, जो रिजॉल्विंग पावर है ऑफ माइक्रोस्कोप का, ये डिपेंड करता है वेवलेंथ पे एंड द एबिलिटी पे, एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप, एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के एबिलिटी पे और वेवलेंथ पर रिजॉल्विंग पावर, माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर डिपेंड करता है। एक बार फिर से समझिए कि रिजॉल्विंग पावर जो है माइक्रोस्कोप का, वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे एंड एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस अभी हमने पिछले टर्म में बताया कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वहीं कलेक्ट द लाइट दैट इट इज अ न्यूमेरिकल एपरेचर। तो अब इसको देखिए मैथमेटिकली टर्म से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। इसे कुछ फार्मूले के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है और इस फार्मूले को दिया था सबसे पहले जर्मन मैथमेटिशियन एंड फिजिशियन अर्नेस्ट एबे जो है, इस जो ये फार्मूला है मैथमेटिकली जो फार्मूला है इसको अर्नेस्ट एबे ने ही, जो फिजिशियन एंड मैथमेटिशियन है इन्होंने ही, दो साइंटिस्ट थे जो ये अर्नेस्ट एबे जो साइंटिस्ट है इन्होंने ही एक फार्मूला दिया एल इक्वल टू 0.61 लैम्डा अपन एन साइन अल्फा। तो यही जो फार्मूला इन्होंने दिया था, तो जिनमें से ये यल जो है वे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट पॉइंट डिफरेंशिएट बाय द लेंस। जो यल है ये रिजोल्यूशन का लिमिट है। रिजोल्यूशन हमने अभी बताया, रिजोल्यूशन की जो एडजेसेंट पॉइंट के बीच के दो एडजेसेंट पॉइंट जो है उनके बीच को सेपरेट करने की एबिलिटी, उसी को ही रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। तो यल वहां पर यल नहीं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। और जो लैम्डा है वेवलेंथ है ऑफ लाइट का वेवलेंथ है। और जो यहाँ पर यन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का। तो आई होप कि आपको ये जो मैंने आज की क्लास में बताया कि माइक्रोस्कोप क्या है,
माइक्रोस्कोपी क्या है और एक टर्म और माइक्रोस्कोपिक, ये तीन टर्म और जो लास्ट वाला टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी डिफिकल्टी समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं एक और नए क्लास को अटेंड कराऊंगा। और जहां पर भी आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस टॉपिक पर मैं और डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।